ऊपर ऊपर। ये मैंने क्या देखा जी? ये मैंने क्या देखा जी? मेरे को तो अपने आप ही यकीन नहीं हो रहा है। Somebody pinch me यार। सिद्धू जी आप ही पिंच, नहीं सिद्धू जी रहने दो। सिद्धू जी पिंच करेंगे तो ठोक के करेंगे फिर। मैं तेरे को पिंच करता हूँ मिथिला। सच्ची में रेखा जी को देखा है? मैं तेरे को पिंच करूँ? सच्ची में आई हुई है? मेरे चोट लगी कुत्ती, तू कहीं लकड़ी की बनी है? रेखा जी सच्ची आई हमारे घर में? तुमने किडनैप किया होगा रेखा जी को जरूर। अरे पागल है कुत्ती? पागल नहीं हूँ मैं, एक मिनट पुलिस को फोन लगाती हूँ। बिल्कुल करो, जल्दी करो। हेलो प्लीज कॉल मी बैक। कुत्ती हमने किडनैप नहीं किया, हम अपनी मर्जी से आई है। अपनी मर्जी से तुम्हारे घर में बिल्ली नहीं आती, उसकी भी तुम दूध की चाय बना के पी जाते हो। तेरा दिमाग खराब है? बिल्ली के दूध की कौन चाय बनाता है? नहीं, बिल्ली के दूध पे तुम्हारी नजर होती है, जो पी रही होती है ना कटोरी में, उस कटोरी पे तुम्हारी नजर होती है कि बिल्ली उधर मुंह करे, कटोरी लेके चाय बना लो उस दूध की। हेलो। हेलो बेटी, भगवान ने आपको कितने टाइम लगा के बनाया है ना। आप ही की बहन जो हूँ। नहीं नहीं आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। नहीं आपसे ज्यादा नहीं। खूबसूरत तो आप बहुत ज्यादा हैं, बहुत टाइम लगा के बनाया भगवान ने आपको। भगवान ने सारा टाइम इन्हीं पे लगा दे, तुम्हारे लिए बचा ही कुछ नहीं। एक्चुअली भगवान ने ना इनको छुट्टी वाले दिन बनाया था, उनका मूड नहीं था काम करने का। वो पहले लड़का बनाया, दो चोटियां पड़ी थी उन्होंने लगा दी, कह रहे चल नीचे। ये मत बताओ कि मैं कौन हूँ, तुम ये मेरी चोटियों उड़ियों के बारे में बात करते हो। मैं बताती हूँ, उमराव जान इस मोहल्ले के लड़कों की जान और इस मोहल्ले की शान, वो देखो। और ये पटीचर खानदान। और ये मुगलों का पीकदान। वैसे ना जी, मुझे आज यकीन नहीं हो रहा कि एक आम लड़की, सॉरी यहाँ के साथ में बैठी हूँ, नहीं, नहीं, लड़की बैठी है, इफ यू डोंट माइंड जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस वगैरह हैं, तो मैं फिर से वो लाइन कही ना, गॉर्जियस वगैरह है मतलब गॉर्जियस वगैरह वगैरह। आपको तो बहुत ज्यादा बॉयज वगैरह ने प्रपोज वगैरह किया होगा। वैसे ऐसी बात नहीं है कि मुझे भी दो तीन लड़कों ने प्रपोज किया है जी। प्रपोज नहीं, वो हीट मारने को प्रपोज थोड़ी कहते हैं। तुम चाहती हो तेरे को लड़के प्रपोज करे, थोड़ा अच्छी बनके रहा कर। तू क्या बनके रहती? तू क्या जींस वींस पहना कर कुछ? क्या नहीं, जींस नहीं मेरे को पसंद ना। मैं जींस नहीं पहनती। मैं भी नहीं पहनती क्योंकि जींस में नाड़ा नहीं होता ना। सलवार बेटर है, सलवार के अंदर नाड़ा होता है, कम खाया तो कस लिया, ज्यादा खाया तो पेट थोड़ा सा ढीला कर लिया, तो दैट इज बेटर फॉर मी। एब्सोल्युटली। पर फालतू बात कैसे कर लेती तुम? ओहो, जैसे तुम बड़ी यहाँ पे बजट कमीशन की बातें कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। फालतू बातें कैसे कर लेती हो? मैं वैसे यहाँ आने का अपना एजेंडा बता देती हूँ आपको। आपकी जो फिल्म थी वो खून भरी मांग, हाँ जी, वो मैंने देखी और उससे मैं एक्सपायर होगी बहुत ज्यादा। Inspired नहीं कुत्ती, inspired. चलो कोई पायर तो ही है, एक्स और इनका ही फर्क है। नहीं तो मैंने सोचा कि उसके अंदर जैसे आपने मेकओवर वगैरह किया है जी, तो मैंने सोचा कि मैं भी मेकओवर बिजनेस में घुस जाऊं। वाह, बहुत अच्छा सोचा आपने। आजकल मैं बिजनेस कर रही हूँ मेकओवर का, और एक मैंने क्लाइंट का मेकओवर किया कपिल, तुम यकीन नहीं करोगे, क्लाइंट इतना ज्यादा खुश है मैं बता नहीं सकती। अच्छा। तुझे क्लाइंट कहाँ से मिल गया? तुम्हारे घर में तो बनियान नहीं मिलती कहीं रखी हो तो। क्लाइंट कहाँ से मिल गया तुम्हें? कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या? चैरिटी बिगिंस एट होम। दोबारा बोल। तो पलक को मैंने मेकओवर किया है। पलक का मेकओवर किया तुमने? हाँ। और यार चलो दो पैसे ज्यादा लग गए लेकिन चीज काम की बनी है। पलक का मेकअप तूने कैसे कर दिया? वो तो वहां नहाने जाती है जहाँ ट्रक धुलने जाते हैं। आपको पता है रेखा जी, हमारे यहाँ पीछे एक नदी होती थी जी। इन दोनों बहनों ने नहा नहा के उसका नाला बना दिया। हम लोग वहाँ नहाते नहीं थे, मच्छियाँ पकड़ने जाते थे। क्यों झूठ बोलती? मछली तुम लोग खाते नहीं हो? हाँ तो मैंने कब कहा हम खाने जाते थे, हम लोग पकड़ने जाते थे। पकड़ने और खाने में फर्क होता है। अब पुलिस चोर को पकड़ती है उसको खा जाती है बाद में? नहीं ना। और तुम
बस पकड़ते हो, बस पकड़ के बाद में खा जाते हो. व्हाट इज हर क्वेश्चन यार? दिमाग मत खा मेरा. बता कौन सा मेकओवर किया तूने? मेकओवर किया अभी तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरे. एक बार देखोगे तुम्हें पता चलेगा. मैं बुलाती हूं उसको. पलक, ये रेखा जी हैं. क्या? आई एम सो सॉरी. मुझे लगा कि दीदी ने मेकओवर करके ना आपकी वाइफ को रेखा जी बना दिया है. वैसे ही जैसे मेरा मेकओवर करके मुझे कैटरीना बना दिया है. आई एम सो सॉरी रेखा जी. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. कैसी हैं आप? मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. सुना मैंने. ओके देखा कैसी लग रही है मेरी बहन. वाओ यार तुझे नजर ना लग जाए मैं टीका लगा देती हूँ तेरे को. रुक, काला टीका लगाती हूँ. नजर छोड़, इसे कोई बीमारी ना लगे. ओ क्या है? क्या है आपको? ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है. पहले मुझे ये बताइए कि मैं लक कैसी रही. मैं बताता हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया वालों ने मंगल पे यान भेजा ना अपना, तो बदले में मंगल वालों ने भी कुछ ना कुछ तो भेजा है. इनकी बात का यकीन नहीं करते. इनको तो फालतू पुआस करने की आदत है. हाँ देख, मैं रेखा जी से बात करती हूँ डायरेक्ट. ओके ऑफ कोर्स रेखा जी. हाँ जी. इफ यू डोंट माइंड आप इनकी तारीफ में 4-5 लाइनें बोल दीजिए प्लीज. पागल हो गए तुम लोग? खूबसूरती के 4 लाइनें? एक मिनट, तुमको खूबसूरती की ड्रेस मर्जी है नहीं. मैं बताती हूँ क्या है. मैं लेट मी एक्सप्लेन रेखा जी. आपकी क्या मतलब, आपके हिसाब से खूबसूरती की क्या डेफिनेशन है? देखिए डेफिनेशन तो मुझे सिर्फ नाउन की पता है. लेकिन लेकिन ये जो मेकअप वगैरह की जो मैंने किया है उसको मैं बताती हूँ क्यों किया. लेट मी एक्सप्लेन विद योर काइंड. यस प्लीज. पलक आप इस तरफ आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए. सुन लो पलक, इस तरफ आ जाइए. हाँ बताइए. आपके पास है. हाँ हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. ओके हाँ. आप देख सकते हैं ये ब्यूटी. आप सोच रही होंगी कि ब्यूटी ऐसी क्यों है. इसके पीछे हर चीज का एक टेक्निकल रीजन है, एक टेक्निकल कारण है. हाँ. जैसे हाँ. सबसे पहले ये देखिए आप इनका जो चेहरा है इसके ऊपर. हाँ. पाउडर लगा हुआ है. ये आम पाउडर नहीं है. हाँ. ये आड़ू का बीज का घुस के पाउडर लगाते हैं हम लोग. इससे नमी मर जाती है. और आड़ू का बीज कहीं भी मिल जाता है. आप किसी भी कूड़े मैदान में जाइए, हाथ पर डालिए, आड़ू के बीज 2-4 मिल ही जाते हैं. उसका उसके पाउडर बना सकते हैं आप जी. और नीचे देखते हैं ये वाल पुट्टी है जी. डबल चिन छुपा लेती है ये वाल पुट्टी. डबल चिन छुपाती है. और आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो आपको यहाँ नजर नहीं आ रही है. तो फिर कहाँ है दोस्तों ये आईब्रो? मैं बताती हूँ, ये आईब्रो इनकी किडनी के ऊपर यहाँ अंदर लगाई हुई है. किडनी में क्यों? उसका एक कारण है. मान लो इनकी किडनी में पत्थर हो गया तो डॉक्टर को टाइम वेस्ट नहीं होगा किडनी ढूंढने के लिए. पता चलेगा जहाँ आईब्रो है वहीं किडनी है. इसलिए लगाई हुई है. और आप देखिए सबसे जो ब्यूटीफुल बात है वो है इनकी आंखें जी. ये आंखें खुली हुई हैं, बंद हुई हुई आपको पता नहीं चलेगा. ओके ये आंखें खुली. देखा जी आप ही देखिए. देख रही ये आंखें खुली. खुली. अब आंखें बंद होंगी तो भी लगेगा आपको खुली हुई है. बंद. आंखें बंद कर पागल. बंद ही है दीदी. वो देखा मैं भी धोखा खागी. मुझे नहीं पता चला. और कानों में आपको दिख नहीं रहा है कि कानों में मैंने लहसुन डाला हुआ है. लहसुन क्यों? आप ये बताइए कि कान किस काम आते हैं? सुनने के. सुनना. ले सुन ले सुन ले सुन. तो कानों में लहसुन. वैसे मैं यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं उन सभी से, यहाँ पर जो आवाम आई हुई है उन सबसे कहना चाहूंगी कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं रेखा जी की तरह एक फिल्म हीरोइन बनना चाहती हूँ. और रेखा जी अब मैं आपसे जानना चाहूंगी और आप ही से जानना चाहूंगी कि क्या मैं एक अच्छी फिल्म हीरोइन बन सकती हूँ? फिल्म हीरोइन क्या आप कुछ भी बन सकती हैं? आप चुड़ैल बन सकती हैं, आपको पता ही नहीं. नहीं सुनिए, मजाक छोड़िए, बहुत हो गया मजाक. बहुत ज्यादा मजाक कर रही हो. हाँ बहुत ज्यादा. मेरी बच्ची का आपने फायदा उठाया. इधर आइए. देखो पलक, आपने एक सवाल पूछा था मुझसे जी कि मैं कैसी लग रही हूँ. हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत बहुत बेइंतहा खूबसूरत हैं. पलक जाके खुद देख रहे ना तू आईना. हाँ तो देख लेती हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है. पलक याद रखना वो बात, मैं जो मैंने कहा जो बात याद रखना, मैं हूँ तुम्हारा. ये क्या तरीका, ये क्या किया है आपने?
आपके घर में यहाँ पे आईना हुआ करता था, वो चुड़ैल की फोटो क्यों लगा रखी है आपने? आईना ही है पलक, वहां ध्यान से जाके देख। अरे वहां पे आईना नहीं है, मैं कह रही हूँ आपने अभी हेलो कर चुड़ैल को, तेरे को वापस करेगी, देख देख कर रही है ना। पलक आप इतनी जल्दी मेरी बात भूल गई? मैं लेकिन ये सब, ये दीदी ये मेक ओवर है, ये किया है आपने मेरे साथ। अरे ये नहीं तरह का फैशन है, अभी इंडिया में नहीं आया है। पलक ये मेकअप इंडिया में नहीं, धरती पे ही नहीं आया, तो एलियन की राजकुमारी लग रही है पलक। नहीं रो मत, रो मत, रो रही है, हंस रही है वो। मैं रो रही हूँ, रो रही। सुनो पलक, हम लोग सबको ठेंगा दिखाएंगे, तुम मेरे घर पे आना, जो मेरे घर पे कोई आता नहीं है, मैं आपको ऐसा मेकओवर करूंगी और इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि दुनिया जल भून के मर जाएगी। हाउ स्वीट, सुना आपने? सुना उसकी पलक, अभी हो गया ना तुम्हारा, देखा मैंने बोल दिया तुम्हारा मेकअप करेंगे ना घर पे। हाँ अरे वाह, अभी चलो शाबाश। एक मिनट, तुझे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, देखा मैंने जैसे साड़ी पहनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, अगर तुझे साड़ी पहनना सिखा दें तो सोच वो कैसा दिन होगा जब तू साड़ी पहन के कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। अरे साड़ी तो मैं लेकर आई हूँ साथ में, ये देखिए ये वाली साड़ी रेखा जी बांधती नहीं है, ये मेरे को पता है कैसे बांधते, मैं तेरे को सिखाता हूँ। एक मिनट, मैं पागल हूँ? आप अपनी बीवी का पेटीकोट पहन के सोते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि साड़ी के बारे में सब कुछ पता है आपको।